हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ पूर्णिमा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और आईएमएफ के बीच की रिलेशंस को। सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में एस्टैब्लिश हुआ था अलोंग विद द आईबीआरडी, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये हुआ था यूएसए की ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में। सो एट प्रेजेंट आईएमएफ में 187 मेंबर्स नेशंस हैं, जिसमें से इंडिया आईएमएफ का फाउंडर मेंबर है। पर अभी तक इंडिया ने कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं लिया है यहाँ से सिंस 1993। और जो लोन्स इंडिया ने पहले लिए थे उनको 31 मई 2000 के पहले ही रीपे कर दिया गया था। अब देखते हैं आईएमएफ के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को। सो फर्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी हटाना और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, देन पॉलिसी एडवाइस एंड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, देन फोरम फॉर कोऑपरेशन इन मॉनेटरी सिस्टम, देन प्रमोशन ऑफ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। सो फाइनेंस मिनिस्टर आईएमएफ की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं। सो आरबीआई के गवर्नर आईएमएफ के अल्टरनेट गवर्नर होते हैं और आईएमएफ में इंडिया को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। और करंटली डॉक्टर राकेश मोहन इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडिया का करंट कोटा आईएमएफ में स्पेशल ड्राइंग राइट्स मतलब एसडीआर के अकॉर्डिंग 5821.5 मिलियन है, जो कि इंडिया को 13th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है होल्डिंग कोटा एट आईएमएफ एंड गिविंग इट शेयर होल्डिंग ऑफ 2.44%। लेकिन वोटिंग शेयर के अकॉर्डिंग इंडिया और उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कंट्रीज मतलब बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका मिलाकर इंडिया 17th रैंक पर है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट में। देन कोटा रिफॉर्म्स की बात करें तो इंडिया पार्ट था 14th जनरल रिव्यू ऑफ कोटाज का। तो इंडिया का टोटल कोटा 2010 में एसडीआर 5821.5 मिलियन से इंक्रीज होकर SDR 13114.4 मिलियन हो गया था, जिसकी वजह से इंडिया का शेयर 2.44% से इंक्रीज हो गया था 2.75% तक, जिससे कि इंडिया IMF का 8th लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री बन गई थी। देन गवर्नेंस का देखें तो आईएमएफ के 24 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 5 लार्जेस्ट कोटा वाले मेंबर एक एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जबकि बाकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इलेक्ट होते हैं। लेकिन अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अपनी पॉलिसीज में कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं, जिसमें ये है अब सिर्फ इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स आएंगे और अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कैटेगरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जो अमेंडमेंट है ये आईएमएफ के पैकेज हैं कोटा और गवर्नेंस रिफॉर्म का। ये अमेंडमेंट्स फंड के कोटा और गवर्नेंस का एक मेजर ओवरहॉल है, जो कि फंड की लेजिटिमेसी और इफेक्टिवनेस को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्लान FTP। तो 2002 में इंडिया आईएमएफ के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान में पार्टिसिपेट करने को अग्री हुआ था। और अब इंडिया को मिलाकर टोटल 53 कंट्रीज FTP में पार्टिसिपेट करती हैं। FTP में पार्टिसिपेट करके इंडिया IMF को अलाउ कर रहा है कि वो इंडिया के कोटा कंट्रीब्यूशन की रुपी होल्डिंग को एनकैश करके उन कंट्रीज़ को लेंड कर दे जो IMF के डेब्ट कंट्रीज़ हैं। लेंड का मतलब है कि किसी को टेम्प्ररी मनी प्रोवाइड कराना, इस कंडीशन के साथ कि वो उसे इंटरेस्ट फीस के साथ रीपे कर देगा। एंड एन कैश का मीनिंग होता है कि मनी इन कैश फॉर्म, और यही कैश जो इंडिया के पास है वो आईएमएफ को अदर कंट्रीज़ को लोन देने में हेल्प करता है। एंड 2002 से 31 दिसंबर 2010 तक इंडिया ने 17 परचेज का ट्रांजैक्शन एसडीआर 1194.16 मिलियन में किया है और 22 ट्रांजैक्शंस को रीपर्चेज किया है 795.98 मिलियन में। देन इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लैंडिंग रिसोर्सेज ऑफ आईएमएफ। सो लंदन में हुई G20 समिट में ये डिसीजन लिया गया कि आईएमएफ की लैंडिंग कैपेसिटी को ट्रिपल किया जाए अप टू US$500 बिलियन।
जिसकी वजह से इंडिया ने भी अपने रिजर्व्स को इन्वेस्ट करने डिसाइड किया। इनिशियली अप टू $10 बिलियन थ्रू नोट्स परचेज अग्रीमेंट, और जिसे बाद में इसे इंक्रीज किया गया $14 बिलियन तक थ्रू न्यू अरेंजमेंट टू बोरो। देन 7 अप्रैल 2011 तक इंडिया ने 750 मिलियन SDR इन्वेस्ट किया था थ्रू 9 नोट परचेज अग्रीमेंट विथ IMF। IMF के स्पेशल डाटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड का इंडिया भी पार्ट है, तो जो भी कंट्रीज इस ग्रुप का पार्ट होती हैं वो कुछ कमिटमेंट्स करते हैं एज अ मेंबर। फर्स्ट है कि उनको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रहना होता है, और साथ ही उन कंट्रीज़ को अपने डाटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और डाटा डिसमिनेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस को प्रोवाइड करना होता है। देन फिनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो 1981-82 में इंडिया ने SDR 3.9 बिलियन IMF से बोरो किए थे अंडर एन एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, और ये एक टाइम में लार्जेस्ट अरेंजमेंट था IMF हिस्ट्री में। 1991-93 में इंडिया ने टोटल SDR 2.2 बिलियन बोरो किए थे। 1991 में ही इंडिया ने 1.4 बिलियन SDR बोरो किया था अंडर कंपनसेटरी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, और 1993 के बाद इंडिया ने कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं लिया था IMF से। देन टेक्निकल असिस्टेंस, सो रीसेंट ईयर्स में इंडिया को फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं टेक्निकल असिस्टेंस के लिए बहुत सारे एरियाज में, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के रिफॉर्म्स में, देन पब्लिक एक्सपेंडिचर के मैनेजमेंट में, टैक्स और कस्टम्स के एडमिनिस्ट्रेशन में, और स्टैटिस्टिकल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने विद स्पेशल डाटा डिसमिनेशन स्टैंडर्ड्स। 1981 में IMF इंस्टीट्यूट इंडियन ऑफिशियल को बहुत सारे एरियाज में ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे कि नेशनल अकाउंट्स ट्रैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कंपाइलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी एंड अदर एरियाज। एट लास्ट IMF के डाटा के अकॉर्डिंग 2019 में इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई थी, लेकिन लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग 2020 में इंडिया 6th पोजीशन पर आ गई थी और 2021 में 7th पोजीशन पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एक्स्ट्रा नॉलेज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर रीसेंट अपडेट्स। थैंक यू।